what's up guys i am here with another reaction for you because now we are reacting to your cristiano because the person who has actually nailed youtube subscribers with 54.9 million which means he's be hitting he'll be hitting 55 million subscribers very soon the guy who hit 50 million subscribers in one week the man who is known as cristiano ronaldo now we we'll be, will be reacting on his video

कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेट कर पाऊँ इंडियन ऑडियंस के लिए हिंदी में अगर मेरे को कुछ ऐसा लगेगा ट्रांसलेट करने लायक तो आई विल श्योरली डिस्कस इट विद यू गाई सो लेट्स लिसन टू वट रोनाल्डो एज गॉट फॉर अस इन दिस वीडियो यो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स वॉच इट इज And listen, I couldn't come and speak to you without asking you like now you've had time to reflect. When you was in that, in that tournament and you were crying, um, what was that like? Because you got some people saying, ah, oh, why is he crying? Ah, oh, is his ego? It's you. He is actually asking uh, in Euro 24 why you were crying during the tournament. So let's see. What रोनाल्डो ऑन दिस सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वाला रिएक्शन और ये फॉर्म ऑफ रिएक्शन अच्छा लगे बिकॉज मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा अगर आप कहोगे कि और वीडियोज की भी ट्रांसलेशन करूँ तो करूंगा मैं आप लोगों के लिए एंड रिएक्शन तो हो ही जाएगा

I'll get that. The most follow guy in the world. It's not because only because of my pretty face, but in everything, you know, why Christian is the number one follow in the world? Why? What do you think? Uh, Many things. There's goals. Football. Trophies. Goal. Trophies. And family, lifestyle. way, lifestyle, everything. Because people say why do ही इज़ एक्चुअली सहिंग एट राइट वो सही बात बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं नंबर वन क्यों हूँ मतलब क्रिस्टानो इज़ नंबर वन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स एंड वाई पीपल फॉलो हिम उनको लोग नंबर वन क्यों बनाते हैं उनको किस तरीके से लोग फॉलो करते हैं क्यों फॉलो करते हैं बहुत सारे रीजन है उसके उनका लाइफ स्टाइल हो गया उनके अराउंड गर्ल्स बहुत रहते हैं इज़ गुड लुकिंग मोर ओवर ही इज़ अर्निंग गुड ये बहुत सारे रीजनज हैं लोग फॉलो करते हैं हर किसी का क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करने का अपना एक रीजन है तो आगे देखते हैं वट इज अप टू दे फॉलो बिकॉज दे इन सम वे दे लाइक मी अंडरस्टैंड आई थिंक एंड इज़ गोन एग्जिस्ट एंड इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस फॉर मी दिस इज इज नॉट अ प्रॉब्लम योर क्वेश्चन वॉज इन यूर वाई यू क्राइक फॉर एक्साम्पल हाँ अब उन्होंने बोला कि क्रिटिसाइज होना इसके अंदर एक नॉर्मल सा पार्ट है व्हेन यू आर इन शो बिजनेस और व्हेन यू आर अ नोन फेस तो जब लोग आपको प्यार करेंगे तो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे देन इन्होंने इनसे पूछा कि हिस क्वेश्चन आपका एक्चुअली क्वेश्चन क्या था तो उन्होंने यही बात बोली है कि माय क्वेश्चन वाज के वाई यू क्राइड इन यूरो ट्वेंटी तो अब उसके ऊपर बात होने वाली है तो लेट्स सी क्या कहते हैं यू कैन बी वॉर अबाउट आवर योर फीलिंग्स इफ फॉर एग्जाम्पल आई क्राई दर आई मिसीव दैटास बात बोली कि अगर आपका किसी चीज के लिए पैशन है तो आपका उस चीज को लेकर इमोशनल होना बहुत नॉर्मल सी बात है और ये फैक्ट है ये उन्होंने ये बात बोली कि एक बड़ी नॉर्मल सी बात है आई हैव डन मैनी गोल्स मैनी आई प्लेड मैनी गेम्स मतलब मैंने बहुत गेम्स खेली हैं uh, मैंने बहुत पेनल्टीज भी देखी होंगी पर मैं जब भी पेनल्टी मिस कर गया हूं तो मैं रोया हूँ तो इट इज अबाउट पैशन वॉट काइंड ऑफ पैशन किस तरीके का पैशन एक इंसान में है अपने काम के प्रति Nice। समझ में आया मेरे को यार इतना बड़ा बंदा ऐसे ही नहीं बन गया कि आज भी उस चीज को लेके उतना इमोशन है बंदे में कि नहीं यार देर इज समथिंग आई एक्चुअली हैव डन बेटर तो वो चीज़ है कि कुछ ना कुछ ऐसा था कि मैं बेटर कर सकता था और मेरे में एबिलिटी है उसे अच्छा करने की मैं नहीं कर पाया तो दैट इज द पैशन दैट ड्राइव्स यू मतलब वो पैशन आपको ड्राइव करता है इमोशंस डेवलप करने के तो किसी भी इस फ्रेज में आके अपनी गेम को लेके इमोशनल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है आगे देखते हैं बट लेट्स इंटरप्रेट दैट आई मिस्ड द पेनल्टी When I cry, it's not because I cry because I felt that if I don't score that penalty and if Portugal will be eliminated, the Gonna world will collapse on me. Mm. Not because of that real. No. It's people that don't know, they don't know me. It's imagine that the last 27 penalties you score, you miss in that period, you feel like bad. From yourself, you don't even thinking about that. The people who come to the stadium, your kids, your mom, your girlfriend, everyone. Yeah. I felt sad because of that. You think I'm exactly. Ronaldo ने एक बात बोली कि यार मैंने पता नहीं पिछले 25-30 penalties में game खेली होगी जिसके अंदर हो सकता है मैंने penalties miss की हो मैं Portugal के अगेंस्ट मैं इसलिए नहीं रो पड़ा था कि मैंने पेनल्टी uh, मिस कर दी है वर्ल्ड विल इलिट्री अटैक ऑन मी ऑन दिस के हाँ या वर्ल्ड मेरे ऊपर चढ़ जाएगा कि भाई तूने पेनल्टी मिस कर दी तूने पोर्टिगल को मिस करा दिया पोर्टिगल uh, जीत जाएगा ये हो जाएगा वो जाएगा कहता हैं ही क्राइड फॉर सेल्फ बिकॉज माय फैमिली सिटिंग ओवर देयर कहता हैं मेरी फैमिली वहाँ बैठी है मैं मेरे को बुरा लग रहा है कि वो लोग मुझे देखने आए हैं स्कोर करते हुए और मैं नहीं कर पाया जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ ज़्यादा डेलीबरेटली मत ले लेना कि मैंने बहुत ज़्यादा खराब ट्रांसलेशन कर दी खराब तो नहीं है जितनी मुझे समझ में आ रही है मैं कर पा रहा हूँ अगर किसी को लगे खराब तो भैया तुम मत करना सब्सक्राइब बाकी कर लेना ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझा पाऊँ कि उनके विचार क्या है थॉट क्या है लेट्सिंग पेनल्टी मैं लोगों को इसलिए नहीं करी

कह रहे मेरी फैमिली बैठी हुई है क्राउड के अंदर मैं क्राउड की तरफ देख के रुया हूँ मेरे फैंस बैठे हुए हैं उनकी मेरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हैं और साथ साथ मुझे ये चीज पता है कि मैं वर्ल्ड में बेस्ट हूँ आई एम मिस्ड अट तो वो चीज

क्रिस्टानों oh, like like hmm. not... ने बड़ी सही बात बोली कि 40 साल की उम्र में जाके अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई विल चेंज माई सेल्फ तो तुम बेवकूफ़ हो अल्टीमेटली कि आई एम नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर श्योर देर इज ओनली देर आर ओनली टू थिंग्स मतलब दो ही चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में तुम मेरे रिलेटेड कर पाओगे या तो मुझे पसंद कर लो या मुझसे नफरत कर लो दैट्स टोटली ऑन योर चॉइस The way I am, the way I am. That's that's quite that's quite understandable. Nice. Not a problem. In the national team it was like that. People say ah, he's done, he's 39, he's getting old. You know why? Because I didn't score the the goal. Yeah. And and the rest and the past. Yeah. In qualifiers, you scored like 10 goals.

Lekin, hai, he is talking about the qualifiers. He scored 10 goals, man. Bahi, how normal it is for them, are Seriously. But this is part, real. Even, even if I will score in Euros, not we will change what Cristiano are. Mm. You understand? People try to to hide stuff and speak bad. Listen, I don't score no, no problem. Tomorrow I will play against the national team. And I will try to score. If I don't score, next game I will try to score. If that, I will does, be like does that. Does that affect you? Though? So it doesn't affect you if you don't score goals. Are you, are you the same person around the training I'm always camp? going to score goals. For me, it doesn't matter. Yeah, yeah. To play against France and to play against uh, Etifak, for me, it doesn't matter. Don't change nothing. But if you In don't score, mind. what are you like though? What are you like to be around? Are you are you Rude Remember when he didn't score, he was a nightmare. We could win three 0 He didn't score. He's sitting like this. Yeah. Are you, are I have you, one I... thing that I learned, Rio. It's you can be upset in the moments after the game. If we win, it's always better. But if you win, if I score, I will be a little bit more happy. I'm, I... Yeah, 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 yeah. He is like कदन मैं अपनी अपनी जिंदगी में उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे अगर हम जीतेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ. अगर मैं स्कोर करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ऐसा नहीं है कि मैंने स्कोर नहीं करा टीम जीत गई है आई एम हैप्पी फॉर द टीम मैं मतलब मेरे लिए वो चीज़ अब मैं वो होता है ना कि एक लेवल आ जाता आदमी का आज की डेट में सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें इंडिया में विच इज़ क्वाइट रिलेटेबल फॉर द पीपल वो आ, ये है कि सचिन भाजी भी यही बोलते थे इन द बाई द एंड ऑफ हिस करियर कहते आई एम प्लेइंग देयर जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी माई टीम विन मेरी सेंचुरी बनाने का फायदा तभी है अगर टीम जीते

आई हैव टू परफॉर्म राइट नाउ तो अभी अगर परफॉर्म करूंगा तो ही बेटर है इफ आई एम माई प्रेजेंट इज आई एम मेकिंग माई प्रेजेंट बेटर देन माई फ्यूचर विल भी ऑटोमेटिकली बेटर मतलब अगर हमारा प्रेजेंट जो है हम उसे अच्छा बनाएंगे हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है लिव इन प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जियो अभी सारा हिंदी करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा बट जितनी मेरे को समझ में आ रही है मैं कर पा रहा हूँ OK. Well, that moment gone then. So you finished the game in a change of mind. I can imagine you being, oh, we done it. She was shit, you was shit, I was shit, were... And how soon is that game then gone for the that's next game? Some, some, some games and some moments you're getting a little bit more upset. For example, after the Euros to eliminate penalties against France, take two days because it's a special Perfect. moment, yeah. pressure. But that's it. Listen, third day, go back to the gym, work, ट्रू चैंपियन गैंपियन है बंदे ने वो ही बात बोली के अगर आपकी जिंदगी में या आपने एक टूर्नामेंट जीत लिया स्पोर्ट्स पर्सन यू वन अ टूर्नामेंट ठीक है आपने वो जीत तो लिया लेकिन होगा क्या कहते दो दिन आप उसकी खुशी मनाओगे तीसरे दिन यू आर बैक टू जेम एंड यू आर गेटिंग नॉर्मल राइट वो ही एक चीज है कि उसको लेके मत तो बैठ जाओ कि हाँ भाई अब तो जीत गए इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती नहीं योर लाइफ विल मूव ऑन योर करियर आपका करियर आगे चलता रहेगा ग्रेट really है आई ऑफ अ ट्रू चैंपियन आई से लाइफ कंटिन्यू यू कैनोट लिव इन गुड ऑन दैट अंडरस्टैंड आई लर्न बाई दिय Listen, Cristiano, let's go. Because pain, you're gonna have all the time, uncertainty, and constant work. Constant work. Constant work. Doesn't matter what's happened, it's gonna happen in your life. You have to continue. This is the way I see the life and football, special. So the performances of Portugal in uh, the tournament in Euros 24. Like, what's your thoughts on that? Now you've had a bit of time to reflect. Because I had you as one of the four, or five favourites to win. When you lost the penalties. It's this year, this year I, I lost three competitions by penalties. Wow. Who, t who, who, who gonna tell me that this year I will win three trophies? Can be a signal. You never know. This is football. You know, football, as much as I know, that it's like that. Football is like that. You lost the penalty, but the game before we win the penalties. Mm. So this has happened. So for me, I can say that was. Average uh, tournament, but if we win the penalties, we will play semifinal against Spain. Mm. Semi-final, okay. People will understand much better. They was eliminated for Spain or not? You never know. Mm -hmm. Semi-finals was like the limit. But in my opinion, we lost penalties against France, which is we controlled the game. We had the best uh, chances. Could, yeah. It's football. Mm. It's difficult because nobody like to lose, But in my in my बट इजरियन उन्होंने यही बात बोली कि अगर हम पेनल्टी से हार रहे हैं कौन सोच सकता था कि हम पेनल्टी से हारेंगे तो सीधी सीधी सी बात तो ये है कि पोर्टुगल ने बड़ा एवरेज खेला एंड इट्स टाइम के ब, uh, मतलब बकल अप के नेक्स्ट टाइम हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करें वही चीज़ बोली एंड आई थिंक he was quite fair in this. the reason why he cried was about it was about his passion towards the game. so that's quite evident because that's why he's number नंबर in the world. वर्ल्ड so, सो आपको कैसा लगा मतलब ठीक है यार जितनी मैं ट्रांसलेशन कर पाया मेरी खुद की इंग्लिश निकल जाती है इंग्लिश सुनते सुनते भाई इतनी भाषाएं हो जाती हैं ना कभी कभी दिन में मैं बोलता बोलता तमिल बोलने लगता हूँ बोलता बोलता मर मराठी चालू हो जाती है गुजराती हो जाती है और फिर उसके बाद रिहाजा बंगाली हो जाती है पंजाबी तो मतलब हमारे यहाँ रोज ही चलती है पंजाब में तो इतनी लैंग्वेजेस हो जाती है ना कई बार लाइफ में तो वो जो मोड सुन रहे हो ना उसी मोड में रिवर्ट करने की आदत हो गया मेरा एडिटर मराठी है आ, मेरा जो कंटेंट सपोर्ट है मतलब जहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आता है हीज फ्रॉम गुजरात तो वहाँ पर गुजरात गुजराती चलती है तो वो ऐसा वाला सीन है तो हर तरीके की भाषा हो जाती है वैसा करके बाकी आप मेरे को बताओ आपको कैसी लग रही है क्रिस्टियानो भैया ग्रो करते हुए यार आई होप ही ग्रोज मोर यार आई वुड लव टू सी हिम अराउंड टू हंड्रेड मिलियन सब्सक्राइबर्स वेरी सोन सो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को जितना हो सके और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ट्रांसलेशन वीडियो और लेकर आऊँ आपके लिए तो प्लीज़ बता देना मैं लेँगा ठीक है विल सी यू इन अदर वीडियो जय हिंद मिलता हूँ बहुत जल्दी